रेशियो में है, एकदम रेशियो। आजाद कुछ होगा तो फिर आपको भी फंसना पड़ेगा। हाँ, तो आइए उसके लिए मोच तान के हम तैयार है, लीजिए फोटो। उसके लिए मोच पर हाथ दे के हम तैयार है। नया ताजा मामला है ये कि वार्ड मेंबर लोग कह रहे हैं कि आप उसका हक जो है हकमारी कर रहे हैं, उनको जो भी विकास की योजना है उनसे वंचित रख रहे हैं, आप उसको पूछ ही नहीं रहे हैं। पूरा का पूरा पैसा अकेले अपन कीजिएगा का? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी भी वार्ड साहब हमारे यहीं पर, डीएम से मिले थे वार्ड लोग, अब डीएम से मिले चाहे पीएम से मिले क्या फर्क पड़ता है। हालात बहुत खराब था, अब आज जो ढलाई हुआ इससे लोगों को शांति मिलेगी। सड़क से सड़क 12 में इसका प्रदीप सिंह मुखिया थे उस टाइम में, उन्होंने सोलिन को उखाड़े और फिर बनाने का प्रयास किए, लेकिन कुछ लोग सोलिंग उखाड़े मुखिया जी आपके जो पूर्व वाले थे, तो सोलिंग लगाए भी कैसे? फिर सोलिंग लगाए और सोलिंग लगाने के बाद कुछ दूर पिचिंग भी किए और आगे जाने के बाद लोगों ने विरोध किया और उन्होंने काम को वहीं पर छोड़। बहुत बदलाव तो भगल बहुत बदलाव है, कोनी मन बदलाव है। एक बार मतलब कि नीमन रास्ता पे चले के मिलत बहुत, ये जो रोड बना है गुणवत्ता के साथ बना है कि नहीं बना है? लो से बताइएगा मुखिया जी। नहीं सुना? हाँ ना, बना है, बढ़िया से बना है। गिट्टी उट्टी डाले हैं? हाँ बढ़िया से बना है। सुना सीमेंट से नहीं डाले हुए? ना डाले हैं, सब डाले हैं। हाँ, रेशियो में है एकदम रेशियो। आजाद कुछ होगा तो फिर आपको भी फंसना पड़ेगा। हाँ, तो आइए उसके लिए मोच तान के हम तैयार है, लीजिए फोटो। उसके लिए मोच पर हाथ दे के हम तैयार है। पहली बार आए हैं, बना दिए? आप ज्यादा कमीशन दिया अधिकारी को? नहीं नहीं, अधिकारी को कमीशन की बात। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज, मैं हूँ आपके साथ आरएस कुमार। अभी हम जहाँ हैं यह भारसर मथा उत्तरी पंचायत है और यहाँ पे वर्षों के बाद एक सड़क है जिसका निर्माण कार्य जारी है, तो हम वहाँ उस सड़क पे है और वहाँ सड़क की स्थिति को दिखाएंगे, पहले क्या दृश्य था अब क्या दृश्य है, और यहाँ के ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे और सड़क जो निर्माण कार्य हो रहा है उन सारे चीजों को भी दिखाएंगे कि यहाँ पे जो सड़कें बन रही है उसकी क्वालिटी क्या है। इन सारे चीजों पे बात करने के लिए हम यहाँ हैं। कैमरामैन को कहेंगे एक बार दिखाइए कि जो सड़कों का स्थिति है, ढलाई जिस तरीके से हुआ है उसको एक बार दिखाइए। यहाँ के कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे हम, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ये सड़क जो अभी निर्माण हो रहा है कितने वर्षों के बाद हो रहा है या फिर पहले किस तरीके का हालात थे? यहाँ हालात बहुत खराब था, अब आज जो ढलाई हुआ इससे लोगों को शांति मिलेगी सड़क से। अच्छा, कितने वर्ष के बाद आप लोग इस तरीके का? इस तरह से लगभग बहुत दिनों की ढलाई तो इस पर हुआ ही था, नहीं हुआ इस पर कभी भी नहीं ढलाई हुआ। तो यहाँ बरसात होती थी तो किस तरीके का स्थिति था? पानी ही पानी था। आप यही के हैं? हाँ बिल्कुल यही है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 2 है। वार्ड नंबर 2 है उत्तरी पंचायत का। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर कुशवाहा। पूरा एकदम बोल्ड बोल रहे हैं, क्या खाना कुछ ज्यादा खा क्या है? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। किस सड़क जो बन रही है उसका खुशियाँ है आपके अंदर? बिल्कुल खुशी है, धन्यवाद टीम अजीत और ग्राम पंचायत राज भासर मछा उत्तरी के मुखिया को जिन्होंने ये काम करने का प्रयास किया। आप तो गुनगाने शुरू कर दिए महाराज, हम गुनगान थोड़ी पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि सड़क बना कितने साल के बाद बना, ये बताइए ना। ये सड़क 12 में इसका प्रदीप सिंह मुखिया थे उस टाइम में, उन्होंने सोलिंग को उखाड़े और फिर बनाने का प्रयास किए, लेकिन कुछ लोग सोलिंग उखाड़े मुखिया जी आपके जो पूर्व वाले थे, तो सोलिंग लगाए भी कैसे? फिर सोलिंग लगाए और सोलिंग लगाने के बाद कुछ दूर पिचिंग भी किए और आगे जाने के बाद लोगों ने विरोध किया और उन्होंने काम को वहीं पर छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं दोषी यही के लोग थे जो बाधक बने थे उस समय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कैसे समस्या का समाधान मिला है? अब गांव का लोग भी, गांव का लोग पानी से परेशान हो गया था, उसके पैर सीजने लगे थे, तो सोचा कि इस बार बनवा ही लेते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही कुछ बात है। चलिए, आपके पंचायत में है और ये सड़के के बारे में बताया गया कि काफी दिन के बाद आप बनवा रहे हैं, युवा है आप, तो काफी चर्चा में भी रहते हैं सोशल मीडिया पे और कई बार विवाद भी हो जाता है, तो पहले हम चर्चा आपका सुर्खिया बताए या फिर विवाद बताए? अब इस लाइन में आए हैं विवाद से तो भागना है नहीं, जो पूछना है पूछिए। पहले आप डिजिटल इन्फ्लुएंसर थे, डिजिटल मार्केटिंग वो सारा चीज करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, अब एक ग्राम पंचायत राज में मुखिया बने और मुखिया बनने के बाद लोगों का सेवा करना है आपका, वो टफ था कि टफ है? टफ क्या है, अब जब सिस्टम में घुस चुके हैं तो हमारा जो मोटिव है कि लोग की जो समस्या है उसको दूर करना, सरकार हमें इसलिए तो मतलब ये पावर देती है और जनता चुनती है कि हमारे जो मुखिया जो होंगे वो समस्या को निपटाएंगे, तो ये समस्या तकरीबन हमको तो लग रहा है कि 15 साल से हम ही देख रहे हैं, 10-15 साल से।
और बाकी लोग सबसे आप बाइट ले ही चुके हैं, तो उन्हीं से आप हकीकत पूछ लीजिए। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो एक न एक बार इस गड्ढा में जरूर गिरे, किसी से भी पूछ लीजिए जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं। और स्थिति बहुत भयावह थी और यहाँ से तो ये रोड दूर दूर तक फेमस था। 15 साल हो गए, 15 साल में 3 मुखिया बदले होंगे जी, 3 बार आया होगा, लेकिन कोई नहीं बना पाया। आप पहली बार आए हैं, बना दिए। आप ज्यादा कमीशन दिए अधिकारी को? नहीं नहीं, अधिकारी को कमीशन कमीशन की बात तो कैसे बनवा दिए, वो सब नहीं बना। देखिए इस चीज में जो है ना, 3 पॉइंट पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो लगेगा कि आपको कि वाकई में ये रोड पहले ये बन जाता अगर कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दिए रखते। पहला है धैर्य, कि लोगों में पेशेंस नहीं था। जो पुराने प्रतिनिधि रहे होंगे उसमें गाली सुनने की मतलब जो कैपेसिटी है हमको लगता है थोड़ा सा कम रहा होगा। हम भी गाली सुने खूब एकदम, लेकिन फिर भी धैर्य बनाए हुए हैं, बर्दाश्त भी किए हैं, बहुत लोगों को सहाया है लेकिन फिर भी बर्दाश्त किए हैं। और तीसरा है नज़रअंदाज, जो हम लोग नज़रअंदाज करके कि कोई आदमी कुछ बोल देता है तो नज़रअंदाज करते हैं। ताज़ा मामला है ये कि वार्ड मेंबर लोग कह रहे हैं कि आप उसका हक जो है हकमारी कर रहे हैं, उनको जो भी विकास की योजना है उनसे वंचित रख रहे हैं, आप उसको पूछ ही नहीं रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा अकेले अपन कीजिएगा का? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी भी वार्ड साहब हमारे यहीं पर, डीएम से मिले थे वार्ड लोग, अब डीएम से मिले चाहे पीएम से मिले क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली कुछ वार्ड का समूह है जो कि वो हर जगह होता है पक्ष विपक्ष, लेकिन उनको थोड़ा सा बिना कुछ काम किए हुए उनको अलग से चाहिए जो सिस्टम चलता है, लेकिन हम उसमें नहीं थे। हमने मना कर दिया कि आपको काम करना, काम कीजिए, उसमें से अपना 2-4 पैसा बचाना है अपना बताइएगा, लेकिन डायरेक्ट अगर कोई कमीशन हमसे मांगता है तो हम अधिकारी को भी मना करते हैं और यहाँ पे भी कोई बात। हालांकि मुखिया को लोग इसलिए भी गाली देता है क्योंकि जिस तरीके का सिस्टम है, जिस तरीके का माहौल है, आवास योजना में पैसा लेता है, नल जल योजना का जो है वो बंटाधार किया हुआ है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बंटाधार है, तो गाली तो सुनना बनता है। आप उसमें है या नहीं है वो तो जनता डिसाइड करेगा, लेकिन एक मेंटेलिटी जो लोगों का है इसलिए गाली सुनना पड़ता है। कुछ दिन पहले खबरें भी चली थी कि आपके घर पे भी किसी तरीके का क्षति पहुंचाने का भी काम किया था, ये क्या मामला था? मामला आपने पेपर में देख ही लिया होगा, और मामला यही है कि जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं तो पक्ष विपक्ष तो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आपको बीच का रास्ता निकाल करके आगे बढ़ना होता है। तो हमने हर चीज़ को नज़रअंदाज किया और आगे का रास्ता हम लोग तय कर रहे हैं, नहीं तो डिस्टर्बेंस तो आती रहेंगे, और डिस्टर्बेंस पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फिर आगे काम नहीं कर पाइएगा। तो यही है कि लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन जो काम है आज, जो लोग यहाँ पे गाली भी दे रहे थे, अभी रोड बन गया है तो कल प्यार भी वही देंगे, जो आज गाली दे रहे हैं। जो गाली देते हैं वही कल प्यार देंगे, क्योंकि अगर आप उनके उम्मीदों पे खरा होते हैं तो एक न एक दिन आपका साथ जरूर देंगे। आप चुनाव से पहले बहुत सारा वादा किए, शिक्षा सुधार देंगे, ये कर दे, क्योंकि आप युवा थे इसलिए ज्यादा वादा कर गए, तो लगता है कि 5 साल में पूरा कर पाइएगा? बिल्कुल पूरा होगा। लोग देखिए अक्टूबर में इलेक्शन का रिजल्ट आया तो लोग अक्टूबर से जोड़ रहे हैं, और तब तकरीबन 8 महीना हो गया तो लोग 8 महीने जोड़ रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में इलेक्शन हम लोग जीते, दिसंबर 28 दिसंबर को हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ, 20 मार्च से हम लोगों को मनरेगा का योजना है उसका एक्सेस मिला। तो 20 मार्च से आप जुड़िए, 20 मार्च से, मार्च का मतलब 10 दिन हुआ, अप्रैल मई और जून, ये जून चल रहा है, तकरीबन हमें 3 महीना, ये जो 20 तारीख आएगा तो 3 महीना हमें मिलेगा, और 3 महीने में हमने इतना सारा काम कर दिया। अच्छा, 3 महीना में हमको 3 उपलब्धि बता दीजिए बस, जो आपने किया हो। जिस रोड पे खड़े हैं आप, ये पिछले 10 साल से लंबित था, और 10 साल से लोग इसी रोड से गुजर रहे थे और गाली गलौज गिरते पड़ते निकल रहे थे, ये मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे बड़ा उपलब्धि रहा है, मतलब इस 3 महीने का, और हो सकता है कि अगले ये पूरे साल का उपलब्धि हो जाए। बाकी जनता आपके सामने, आप से बैठे लीजिए। उसके बाद हमने शिक्षा में भी सुधार किया, शिक्षा में हमने क्या किया कि जो स्कूल है, स्कूल में अपने तरफ से हर स्कूल में रजिस्टर हमने दिया है, और उसमें कौन से टीचर किस सब्जेक्ट मतलब कौन से घंटे में क्या पढ़ा रहे हैं वो सारा नोट करते हैं, और कभी भी आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि रूटीन हमारा जो है वो फॉलो हो रहा है, एक बार में सब कुछ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। तो देखा आपने, सीतामढ़ी का एक ओवरब्रिज है जो 18 वर्षों में नहीं बन पाया, वैसे ही कुछ स्थिति यहाँ की सड़कों की थी, और मुखिया जी बनवा दिए, सांसद महोदय और विधायक महोदय आप भी जरा ध्यान दीजिए, कुछ कीजिए और रेलवे ओवरब्रिज को भी बनवा दीजिए, ऐसी जनता लोग खुश हो जाएगा, आपको भी आशीर्वाद दे दे शायद। बने रहिए सीतामढ़ी की आवाज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।